देवप्रयाग में आके तो मम्मी का मन कर रहा है कि यहीं रह जाओ। मंदिर में ही रह जाओ। रह जाएगी तेरे को संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास तो मेरे बिना तो रह नहीं सकती है यार। मेरे पे ज्यादा समय तो नहीं है पर मैं धरती भी नहीं जा पाऊंगा। मैं बचपन में यहाँ आया था और यहाँ पे ये ना मम्मी ये जो मंदिर है बड़ा सा जो पत्थर है उसके ऊपर है, ऊपर था ये अभी भी है और ये नीचे गहरा था और मैं यहाँ डूबते डूबते बचा हूँ। हम पहुँच गए हैं ग्वालदम और होटल में हमको मिल गया है। यार आते आते वक्त अंधेरा हो गया था हमको और नैरबगर से थराल तक का रास्ता बहुत ही ख़राब है क्योंकि वहाँ डबल रोड के लिए कटिंग चल रही है इसलिए हमको लेट हो गया। इधर रास्ता तो बहुत अच्छा था। वेलकम बैक टू स्वीट मेमो बॉक्स। अब हम तैयार हो गए हैं, सोचा है बैजनाथ मंदिर जाएंगे तो तैयारी कर लें चलने की। बोलो या कनकन की जय। मैं हमेशा बैजनाथ आया हूँ पर बैजनाथ टेम्पल कभी नहीं गया हूँ, आज पहली बार है, देखते हैं। बैजनाथ गोमती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा नगर है। यह जनपद मुख्यालय बागेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ नोटिस भी लगाया गया है। यह अपने प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है। बैजनाथ को प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था जो कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी। पूर्व में इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ हुआ करता था जो चमोली जिले में पड़ता है। बैजनाथ में छोटे मंदिरों का समूह है जो बाबा महादेव शिव को समर्पित है। यहाँ छोटे छोटे लगभग 17 मंदिर है। यहाँ पूजा करके आ गए। पुजारी जी ने फाटा खोल दिया था। बहुत खूबसूरत जगह है। मंदिर का मुख्य आकर्षण यह है कि यहाँ शिव और पार्वती दोनों एक साथ विराजमान है। यहाँ मंदिर में माँ पार्वती की ग्रे अथवा काले रंग की एक खड़ी अवस्था में मूर्ति है जो बहुत सुंदर है जिसका फोटो खींचना सख्त मना है। मंदिर के सामने बैजनाथ झील बनाया गया है। इस झील का उद्घाटन जनवरी 2016 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी द्वारा किया गया था। झील में वाटर स्पोर्ट्स का भी प्रबंध किया गया है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार मंदिर का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा द्वारा किया गया है। मंदिरों का निर्माण उत्तर भारतीय नागर शैली में किया गया है। मंदिर से जुड़ा एक रोचक बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि कत्यूरी राजा द्वारा मंदिर का निर्माण एक ही दिन में किया गया है। निर्माण में कई लाख मजदूर लगाए गए थे।
आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।